हमारी समस्या बहुत ही गरीबी स्थिति थी, जो भी काम करते थे वेतन नहीं मिलता था और जीविका भी बहुत मुश्किल से चला पाते थे, आधा पेट खा के रह जाते थे। उषा देवी खूंटी अमृतपुर की रहने वाली है, जो भारतीय संचार निगम लिमिटेड खूंटी कार्यालय में कार्यरत है। उषा देवी सहित अन्य 11 कर्मचारियों का 8 माह से वेतन नहीं मिलने पर मैंने वर्ष 2014 में एक वीडियो बनाई थी, जिस पर बदलाव आ चुका है। वीडियो बनाने के बाद रांची में जीएम कार्यालय का सभी कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन था और जीएम को एक आवेदन भी दिया, और इसके बाद फिर बीच बीच में सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी इन सारी मांगों को लेकर के कई बार रांची कार्यालय का घेराव किए। तत्पश्चात इस पर कार्रवाई करते हुए इन सभी कर्मचारियों को बकाया जो वेतन था वो अभी मिल गया है। कितना दिनों से ये समस्या था? ये समस्या 8 महीना से वेतन नहीं मिल पा रही थी। क्या वजह था आप लोग को नहीं मिलने का? समस्या यही कारण था कि ठेकेदारी पर पेमेंट हो रहा था, इसी कारण पेमेंट नहीं हो रही थी। जुलूस निकाले भी और माझी जीएम के यहाँ सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन में रह गए। जीएम बोले ठीक है हम पेमेंट देंगे बोल के बोले, कुछ दिन के बाद किस्त में वो ठेकेदार देने लगे और पूरा पैसा दे दिया। मैं इस पहल के लिए संबंधित पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस समस्या का समाधान करते हुए अपनी सहयोग दी है। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहट के लिए।